व्रत में आपने साबूदाने से बनने वाली रेसिपीज जैसे साबूदाने वड़े और कटलेट तो आपने कई बार बनाकर खाए होंगे, लेकिन एक बार ये सिंघाड़े के आटे से बने हुए कटलेट मतलब वड़े बनाकर जरूर ट्राई करें। यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएंगे। तो इन्हें बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ले लिए हैं और आलू का छिलका हटा दिया। फिर मैंने आलूओं को अच्छे से एकदम मैश कर लिया और इनको ना थोड़े बड़े साइज के बर्तन में डाल दिया। बस ध्यान रखिएगा कि आलू को मैश करने के बाद में इनके बड़े बड़े पीसेस नहीं रहने चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर मैंने ये थोड़े छोटे साइज की हरी मिर्च है, इसलिए 5 से 6 हरी मिर्च ऐड कर दी है। बड़े साइज की है तो आप 2 से 3 हरी मिर्च ऐड कर दें। 1 इंच जितना छीला हुआ अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके ऐड कर दिया है। फिर आधा कप जितने बारीक कटी हुई गाजर ऐड कर दी है और 1/4 कप जितना मैंने यहाँ पर मूंगफली के दानों को सेक कर और उनका पाउडर बनाकर ऐड कर दिया। 7 से 8 कड़ी पत्ते को रफली काट कर ऐड कर दिया है। फिर यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड किया है। इसके बाद में नमक ऐड कर दिया स्वाद के अनुसार जो भी व्रत में खाते हैं। 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें जीरा ऐड किया है और 3/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इसके अलावा अगर आप व्रत में और कोई भी मसाले खाते हैं तो वो ऐड कर दें, और इनमें से अगर कोई चीज़ अगर आप नहीं खाते हैं तो वो हटा दें। फिर मैंने इसमें सिंघाड़े का आटा ऐड किया है 1/2 कप। आपके पास जो भी व्रत का आटा है जैसे राजगिरी का या फिर कुट्टू का आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे, मिक्स कर देंगे और बिना पानी ऐड किए हम इसका डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बड़ी ही आसानी से आटा गूंथ जाएगा क्योंकि आलू के अंदर काफ़ी मॉइस्चर होता है। फिर हमने गाजर भी ऐड की है तो सब्जियों में भी काफ़ी मॉइस्चर होता है, तो ये ना बिना पानी के ही इस तरह से गूंथ के तैयार हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके आटा ऐड करें और इसे अच्छे से गूंथ लें। इसके बाद में जितने बड़े साइज की कटलेट बनानी है उतना हम आटे का पोर्शन ले लेंगे और उसको इस तरह से शेप दे देंगे। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जैसा शेप आपको पसंद है वैसा शेप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इतने आटे से यहाँ पर मेरी ना 8 कटलेट बनके तैयार हुई है शेप के अकॉर्डिंग और कटलेट की साइज के अकॉर्डिंग। हो सकता है कि आपकी कम या ज़्यादा बनके तैयार हो, तो इन्हें हम साइड में रखेंगे। इसके बाद में कढ़ाई में घी गरम करेंगे। तो मैंने इनको घी में डीप फ्राई किया है। आप चाहें तो इनको ना कुकिंग ऑयल में भी डीप फ्राई कर सकते हैं अगर आप व्रत में कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, और आप चाहें तो इनको ना तवे पर हल्का सा ऑयल या फिर घी लगाकर सेक भी सकते हैं, या फिर आप इनको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। जैसे भी आपको पसंद है आप वैसे कर सकते हैं। घी के गर्म हो जाने पर हम एक-एक करके कटलेट्स इसमें डाल देंगे और इसके बाद में गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पर ही हम इन्हें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक दोनों तरफ से पलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बढ़िया सा कलर इनके ऊपर आ गया है और काफ़ी अच्छी ये दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि अगर आप लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये बढ़िया से ऊपर से कुरकुरी हो जाएंगी और अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाएंगी पूरी। तो हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई मत कीजिएगा इनको, लो फ्लेम पर ही कीजिएगा। तो कटलेट्स को हम प्लेट में निकाल लेंगे और सेम तरीके से हम बाकी के कटलेट्स को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो कटलेट्स हैं वो पूरी तरह से बनके तैयार हैं और देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया ये बनके तैयार हुई है और यकीन मानिए फ्रेंड्स खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। इन्हें आप व्रत वाले रायते के साथ खा सकते हैं, व्रत वाली चटनी के साथ खा सकते हैं, इवन आप इनको आलू की सब्जी के साथ खा सकते हैं। और बिना किसी सब्जी के, बिना रायते के, बिना चटनी के भी ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं कि अगर आप इन्हें एक बार खाएंगे तो बार बार बनाना चाहें। तो एक बार आप ये रेसिपी मेरे तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई करें, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगी। और इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर व्रत की और भी रेसिपीज अपलोड की हैं, तो वो रेसिपीज आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वैसे उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस पेज पर नए हैं और अभी तक तो फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की आसान आसान सी रेसिपीज आपको कुकिंग शेयर करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।